जिला विज्ञान क्लब कानपुर देहात के द्वारा जनपद स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता का किया गया सफल आयोजन। जनपद कानपुर देहात के कस्बा अकबरपुर में स्थित CHS एजुकेशन सेंटर जैनपुर में जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देश पर जनपद स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में जिला समन्वयक समिति के सदस्य धर्मेश त्रिवेदी ने अपनी पूरी सक्रियता निभाई। बच्चों के लिए समय पर सुबह का नाश्ता तथा दोपहर के लंच की व्यवस्था की। जनपद के लगभग 25 से 30 माध्यमिक विद्यालयों में शासकीय सहायता प्राप्त व वित्त विहीन विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 के छात्र छात्रों ने अपने विज्ञान मॉडलों के साथ प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के समन्वयक जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अचल कुमार मिश्र ने विद्यार्थियों के प्रतिभाग कराने के लिए समस्त बोर्ड के माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य को अनिवार्य रूप से प्रतिभाग कराए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए थे, जिसके अनुसार जनपद के दूरस्थ विद्यालयों से भी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया। जनपद स्तर पर गठित तकनीकी मूल्यांकन समिति के सदस्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भोगनीपुर रसूलाबाद तथा अकबरपुर से सुरेंद्र पाल, सौरभ त्रिवेदी, लकी कमल तथा शिवानी सिंह ने बड़ी ही बारीकी से विद्यार्थियों के मॉडलों का मूल्यांकन करते हुए लगभग 150 प्रतिभागियों का मूल्यांकन कर सूची प्रेषित की। यही 15 विज्ञान मॉडलों के प्रतिभागी आगामी दिसंबर माह में होने वाली मंडल स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता में जनपद की ओर से प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आज चयनित हुए 15 मॉडलों में से सर्वश्रेष्ठ 5 मॉडलों का चयन भी किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार 5,000 ब्राइट एंजल एजुकेशन सेंटर से रौनक तिवारी, द्वितीय पुरस्कार 3,000 इन फ्रंट पब्लिक स्कूल से दिव्यांशी शुक्ला, आयुषी सिंह को तृतीय पुरस्कार 2,000 रुपए, CHS एजुकेशन सेंटर से मुस्कान यादव व शिखा के साथ दो सांत्वना पुरस्कार हेतु 1,000 प्रत्येक को, मैं इन फ्रंट पब्लिक स्कूल से प्रतीक कौशल व पवन सिंह तथा ब्राइट एंजल एजुकेशन से सेंटर से नीरज कुमार को नगद धनराशि तथा सभी चयनित प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र मुख्य अतिथि द्वारा दिया गया। जिला समन्वयक समिति के सदस्य धर्मेश त्रिवेदी ने सभी सहयोगियों को कार्यक्रम सफल बनाने में सहयोग देने के लिए धन्यवाद दिया। प्रभारी DIOS रति वर्मा ने मुख्य अतिथि को बूके स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया और सभी छात्राओं का उत्साह वर्धन भी किया। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से ब्यूरो चीफ बिंदु गुप्ता की रिपोर्ट। मैम, ये प्रदर्शनी का आयोजन मुख्य उद्देश्य क्या है? ये प्रदर्शनी जो हमारे भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 51 का जा जो वैज्ञानिकता, मानवतावाद और विकसित विकासशील भारत की सोच को व्यक्त करने वाली प्रदर्शनी है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है, जिसकी ये प्रथम कड़ी जनपद स्तरीय प्रतियोगिता आज जो है यहाँ चौधरी हरमोहन सिंह एजुकेशन सेंटर में आयोजित हो रही है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है, बच्चों को इससे क्या लाभ मिलेगा? बच्चों के मध्य वैज्ञानिक सोच का विकास हो, दृष्टिकोण का विकास हो, क्रोधियाँ समाप्त हो, अंधविश्वास समाप्त हो, प्रतिभा खोज का विकास हो और प्रोत्साहन हो, आगे बढ़ने की चाहत हो, उनके अंदर कुशलता का विकास हो, एक विकसित भारत को संपन्न बनाने में, आगे प्रगतिशील बनाने में युवा भारत और ये नन्हे बच्चे जिनके अंदर तार्किक क्षमता बहुत अधिक जो है विद्यमान होती है, उनके माध्यम से इस सोच को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम जो है आयोजित।